हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने जा रही हूँ सेट अप योर लाइटिंग वेव कंपोनेंट्स डेवलपर टूल्स। ये एक प्रोजेक्ट है और लाइटिंग वेव कंपोनेंट्स का ये भी बेसिक है। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखो कि कैसे सेट करते हैं इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट टूल्स। इसमें बेसिकली आपको बस इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन पैक, एंड दूसरा क्रिएट लाइटिंग वेव कंपोनेंट, कैसे क्रिएट करना है लाइटिंग वेव कंपोनेंट ये इस प्रोजेक्ट में पता चलेगा आपको। तो इसे करने के लिए हमें डेवलपर एडिशन की नीड नहीं है, डेवलपर हब क्रेडेंशियल की नीड है। डेवलपर हब क्या है आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता रही हूँ। जैसे ये हमारा castor@class12.com, ये मैंने डेवलपर हब का क्रेडेंशियल क्रिएट किया है। आईडी एंड पासवर्ड मैं आपको यूट्यूब के लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज़ ये पहला स्टेप है, सबसे पहले ये पहला स्टेप है वो मैं दिखाती हूँ। ये लिंक है, ऐसे मैं ये लिंक प्रोवाइड करूँगी यूट्यूब में जब मैं ये वीडियो डालूँगी, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अपना नेम दोगे, लास्ट नेम दोगे, ईमेल एड्रेस दोगे, रोल क्या है रोल दोगे, फिर कंपनी नेम दोगे, कंट्री दोगे, पोस्टल कोड दोगे एंड यूज़र नेम दोगे। जो यहाँ यूज़र नेम क्रिएट करोगे वही आपका यूज़र नेम होगा। और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको फिर उसके बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ टिक मार्क करोगे, फिर उसके में साइन भी आओ। फिर उसके बाद में आपको मेल पे नोटिफिकेशन आएगा वेरीफाई अकाउंट। तो जो मेल पे वेरीफिकेशन जो अकाउंट का आता है वो कम से कम 5 to 10 मिनट्स लगते हैं टाइम, तो आप वहाँ पे कीप पेशेंस रखना क्योंकि वो वेरीफाई हो जाएगा तभी आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। और मैं ये लिंक यूट्यूब में दे दूँगी, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपर हब है और इसे लॉन्च करोगे तभी ये डेवलपर हब। मैं आपको दिखाती हूँ लॉन्च करने के बाद यहाँ पे डेवलपर हब लिखा रहेगा, तो आपका भी ऐसे ही लिखा होना चाहिए। अगर आपको डेवलपर हब एडिशन क्रिएट नहीं करने आ रहा क्रिएशन आईडी एंड पासवर्ड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी और मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगी कि आखिर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लॉन्च कर दिया और हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, एंड जिसका मैक है उसे कमांड एफ पी, जिसका विंडोज़ है कंट्रोल एफ पी प्रेस करना है, एंड क्रिएट करना है ट्रेल हेड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने इस ट्रेल हेड को कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें जाती हूँ कमांड एफ, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़ के लिए आपको कंट्रोल एफ पी है, तो कंट्रोल एफ पी मैंने प्रेस किया। अगर आप कंट्रोल से पी नहीं प्रेस करना चाहते हो, व्यू में भी जा सकते हो, कमांड पैलेट में भी जा सकते हो, एस एफ डी एस क्रिएट पर, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, सो जस्ट मैं कमांड पैलेट में गई, एस एफ डी एस क्रिएट प्रोजेक्ट किया, स्टैंडर्ड मैंने किया, ट्रेल हेड प्रोजेक्ट नेम में एंटर किया। ठीक है, और मैंने लोकेशन दे दिया मेरे यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्रिएट हो गया हमारा प्रोजेक्ट है। तो कुछ जब क्रिएट होगा आपका टॉयलेट प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ओके, फिर उसके बाद में हम इतना मेरा स्टेप हो गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑथोराइज़ करना है डेव हब। आप यहाँ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो डेव हब, तो इसीलिए मैंने डेव हब क्रेडेंशियल क्रिएट किया है क्योंकि ये डेव हब मांग रहा है। अगर आप डेवलपर एडिशन में ही करेंगे तो फिर आपको एरर देगा, इसीलिए ये सबसे पहले है डेवलपर हब आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करना, जो मैंने आपको दिखाया था, आप पीछे आप जाके देख सकते हो और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। राइट, सो उसके बाद ये वाला फॉलो करते हैं डेवलपर हब में। विजुअल स्टूडियो कोड में हमें क्या करना है, कंट्रोल से पी प्रेस करना है, टाइप एस एफ डी एस करना है, एस एफ डी एस ऑथोराइज और डेवलपर हब। सो कमांड पैलेट में गए, ऑथोराइज और डेवलपर हब, सो सिंपल से एस एफ डी एस यहाँ टाइप किए। तो ये थोड़ा टाइम लगता है ऑथोराइज डेवलपर हब आने में, तो आप थोड़े इसके लिए पेशेंस रखना, वेट करना। ओके, तो यहाँ की पेशेंस रखना। ठीक है,
या ऑलवेज वेट करना पड़ता है बिकॉज ऑथोराइज थोड़े देर के बाद भी पॉपअप होता है, राइट? क्रिएट प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी पॉपअप हो जाता है, बट ऑथोराइज डेवलपर अब थोड़े लेट से होते हैं पॉपअप. या पेशेंस रखना, आप थोड़े लेट आते हैं. मैं सिर्फ डीएक्स ऑथोराइज एंड डेव हब चाहिए, राइट? फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑथोराइज होगा डेव हब. ठीक है, आप देख रहे हो रनिंग. फिर एक सेपरेट विंडोज़ ओपन होगा, वही मैंने जो आपको बोला, एक ब्राउज़र ओपन होगा जिसकी लॉगिन आईडी, ये हमारा देख रहे हो डेव हब है, डेव हब का आईडी एंड पासवर्ड है, तो लॉगिन कर देंगे. कि तो एक पॉपअप आएगा, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का पॉपअप होगा. ठीक है, सो अलाउ एक्सेस, तो यहाँ पर आप अलाउ कर दोगे, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल. ठीक है, ये पॉपअप आया. सो ये पॉपअप आया, फिर इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा कर्सर सक्सेसफुली हो गया. ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट कंसोल पे, तो इस तरीके से सक्सेसफुल का आपको डेवलपर हब बोलेगा कि आप अच्छे से. फिर आप ये स्टेप फॉलो कर लेंगे फिफ्थ तक. ठीक है, डन हो गया. फिर उसके बाद में आपको स्क्रैच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है. ओके, तो स्क्रैच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है SFDS क्रिएट डिफॉल्ट स्क्रैच ऑर्गेनाइजेशन. सो व्यू में जाओगे कमांड पैलेट में, अब देख रहे हो सिर्फ क्रिएट डिफॉल्ट स्क्रैच ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक किया, फिर एंटर करोगे, फिर एंटर करोगे, फिर बाई डिफॉल्ट आप 7 पॉपअप हो रहा है, इस पर भी आप एंटर कर दोगे. फिर आप यहाँ देखना, ये रनिंग हो रही है. नीचे की कंसोल भी आप देखते रहना. आप देख रहे हो क्रिएट डिफॉल्ट स्क्रैच ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली रन हो गया. ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद में इस तरीके का कुछ, जब सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो आप आउटपुट भी इस तरीके से देखोगे, तो हमारा आउटपुट अभी इसी तरीके से आया है. उसके बाद में आपको लाइटिंग वेव कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो लाइटिंग वेव कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी. सो लाइटिंग वेव कंपोनेंट जो आपको क्रिएट करना है वो आपका नाम होना चाहिए माई फर्स्ट वेव कंपोनेंट. ठीक है, तो लाइटिंग वेव कंपोनेंट आप यहाँ पे फोर्स ऐप देख रहे हो, फोर्स ऐप पे जाओगे, LWC, इस पर राइट क्लिक करोगे एंड क्रिएट अ लाइटिंग वेव कंपोनेंट.
एंटर अ डिजायर्ड फाइल नेम, तो फाइल नेम मेरा माय फर्स्ट वेब कंपोनेंट, फिर एंटर करेंगे, फिर तो ये हमारा क्रिएट हो गया। जब हमारा क्रिएट हो जाएगा तो माय फर्स्ट वेब कंपोनेंट ऐसे रहेगा। आप देखोगे तीन वर्जन में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, माय फर्स्ट वेब कंपोनेंट .html.js मेटा XML फॉर्मेट में ओपन होता है, ठीक है। फिर उसके वन बाई वन फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में XML में हमें क्या करना है, कॉपी करना है कोड को और पेस्ट कर देना है। तो XML हमारा ये है, इसमें पेस्ट करने का, फिर उसके बाद फाइल को सेव कर देना है। फिर उसके बाद में इन विजुअल स्टूडियो को माई फर्स्ट वेब कंपोनेंट .js में हमें कॉपी करनी है इसे एंड पेस्ट कर देना है। एंड ये सेव कर देना है। तो सेव करोगे तो वन एरर आएगा, ठीक है। वन एरर यहाँ देखोगे ट्रैक पे एरर आएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आफ्टर यू सेव द फाइल यू विल इमिडिएटली नोटिस अ फ्यू थिंग। सो आप देखोगे जहाँ पे ट्रैक एनोटेटेड है वहाँ पे कलर आ जाएगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगी। और डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप यू मे ओनली सी वन एरर, मतलब आप मतलब कि दो भी एरर देखो, इसमें दो एरर आया है लेकिन मेरा सेटअप अच्छा है तो मेरे वन एरर आया है, ठीक है। तो वन एरर मतलब इसमें वन एरर है मेरे में, आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये वन एरर है, तो आप देखोगे ट्रैक एनोटेशन पे कि यहाँ पे वन एरर है और ये ग्रीन कलर हो गया है, सॉरी रेड कलर हो गया है, ठीक है। इसके लिए माय फर्स्ट वेब कंपोनेंट .html में हमें क्या करना है, टेम्पलेट टैग के बीच में हमें इस कोड को प्लेस करना है, ठीक है। ये टेम्पलेट टैग के बीच में हमें कोड को करना, फाइल को सेव करना। इसमें भी आप नोटिस करोगे वन एरर है, ठीक है, फॉर ईच, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे उसके बाद में ये हमारे हो गए, एंड देन हमें फाइल को सेव करनी है। फाइल को हमने सेव कर दिया सारे फाइल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट वाले जो एनालाइजर कोड एंड डिप्लॉयड टू, इसमें कोड फिक्स होगा, ठीक है। अभी मैं हमारा कोड ऐसे ही रहेगा, अब हम सिंपल सा इसमें वेरीफाई कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो, कैसे डेवलपर हटिशन क्रिएट करते हैं, डेवलपर हब अगर आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। ऐसे में यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं ये डेवलपर एडिशन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से लिंक ले लेना और वहाँ से डेवलपर हब क्रिएट कर देना, और वेट करना 5 to 10 मिनट्स आपके मेल पे वेरिफिकेशन मेल आने के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।